हाय जॉनी, नाइट लाइट में सोसाइटी कितनी जगमग जगमग अने सोची लागे छे। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे नई सोसाइटी हो। अरे मैं तो कहती हूँ कि जेठा भाई के साथ दया भाभी का भी सम्मान करना चाहिए। नहीं क्या अभी कोमल भाभी, टोपू के पापा ने कलर दिया है, मैंने क्या किया? क्योंकि आपने उनका साथ दिया। हमारे वहाँ कहते हैं ना कि हर सफल इंसान के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, इसलिए समझे। अब पता चला मैं कामयाब क्यों नहीं हूँ? सॉरी क्या? पता नहीं मुझे कामयाब करने वाली मेरी पत्नी कब आएगी। मैं क्या कहता हूँ? ओ पत्रकार पोपटलाल जी, यहाँ पे आइए, कार्यक्रम शुरू करने हैं भाई। हाँ हाँ, चलो लेट हो गया थोड़ा। चलो भाई आ जाओ। थोड़ा लेट हो गया। पोपटलाल कितने टाइम बात करो। हाँ तो मैं भिड़े शुरू कर सकते। वही कर रहा हूँ पोपटलाल। हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, यहाँ पर उपस्थित सभी गोकुलधाम वासियों का इस नई चमचमाती गोकुलधाम सोसाइटी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। सखाराम ने हमसे जो 40,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे कोटेशन में, वो उसने हमें वापस कर दिए है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट ज्यादा और सोसाइटी में फंड कम होने की वजह से हमने गोकुलधाम सोसाइटी में कलर करना कैंसिल कर दिया था, लेकिन हमारे सोसाइटी के माननीय सदस्य श्रीयुत जेठालाल चंपकलाल गढ़ा जी की वजह से हम गोकुलधाम में कलर कर पाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो A1 कलर मार्केट में 2.5 लाख रुपए का मिलता है, वो सिर्फ इनकी वजह से हमें 1.5 लाख रुपए में मिला है। तालियां। हाँ लेकिन जेठालाल जी, वो 1.5 लाख रुपए आपको देने के लिए अभी फिलहाल सोसाइटी के पास नहीं है। अरे भाई मैंने कहा मांगे, लेकिन बड़प्पन। हाँ। नहीं नहीं जेठालाल जी, मैं जानता हूँ कि आपका मन बहुत बड़ा है, अगर जिंदगी भर भी सोसाइटी आपको पैसा नहीं देगी तो भी आप नहीं मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सोसाइटी आपको पैसा देगी। सखराम से आए हुए 40,000 रुपए और सोसाइटी फंड में बचे हुए 50,000 रुपए, ऐसे कुल मिला के आपको 90,000 रुपए दिए जाएंगे। और बचे हुए 60,000 रुपए आपके मेंटेनेंस के सामने, फ्लैट का सॉरी माफ करना, आपके फ्लैट के मेंटेनेंस के सामने एडजस्ट किए जाएंगे। ठीक है? ठीक है भाई, जैसा तुम ठीक समझो। ठीक। अब मैं हमारे कमेटी मेंबर की ओर से श्रीयुत जेठालाल चंपकलाल गढ़ा जी से विनती करूंगा कि कृपया करके वो मंच पर आए, ताकि हम उनका सम्मान कर सके फूलों का हार पहना कर। अरे एक मिनट भाई, देखो मैं क्या कहता हूँ भिड़े भाई, ये सम्मान मम्मान रहने दो, ये नहीं नहीं करो प्लीज। अरे जेठालाल, लेकिन सम्मान तो होना चाहिए भाई। देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरी जगह पे सोसाइटी का और कोई भी सदस्य होता तो वो भी वही करता जो मैंने किया है। ये सम्मान रहने दो प्लीज भाई, प्लीज भाई। जेठालाल तुम्हारी दलील कैंसल। भिड़े जेठालाल का सम्मान करो। हाँ बिल्कुल, और जेठालाल फूलों का खर्चा हुआ है ना, तो सम्मान तो करना पड़ेगा ही। ये देखो ये फूल का खर्चा किस लिए? अरे भाई। अरे नहीं भाई, जेठालाल भावनाओं को समझो। भाई अब्दुल हार लाओ भाई। अरे हार अंदर रखा था, अभी नहीं है। तो ढूंढो उसे भाई, क्या कर रहे तू है? करते हो अब्दुल भाई? अरे अरे भाई नहीं मिल रहे है हार, जाने दो ना भाई, रहने दे, सम्मान बम्मान नहीं चाहिए भाई। कहाँ रख देते हो भाई, टाइम पे चीज मिलती नहीं है तो। अब्दुल कहाँ रख दिया भाई हार? ये रहा हार। वहाँ रखा है। बबीता जी अब मानेंगे नहीं।
एक मिनट जेठालाल का सम्मान मेरे हिसाब से सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग चंपक चाचा को करना चाहिए। अय्यर बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, एक पिता के हाथों अपने पुत्र का सम्मान हो, इससे बढ़िया क्षण नहीं हो सकता। सही बात है। हाँ कर बबी ना, तुम बैठ जेठालाल, तुम स्टेज पर चलो। आइए चाचा जी।